आज मैं आपको बताऊंगी एकदम नया स्टाइल में कच्चा आम के साथ कैसे मछली का अंडा करी बनाते हैं। दोस्तों, इस गर्मी में यदि खाना खाने मन नहीं लगता, ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है, बट इस गर्मी में खाने में बहुत ही बढ़िया लगता और एकदम आसान तरीकों से बन जाता। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल पर आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बनाते हैं मछली का अंडा करी एकदम नया स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 400 ग्राम रूही फिश का अंडा ले लिया। इसे मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए डाल देंगे नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर। अब मैं अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया तो साइड में रख देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे दो आलू ले लिया, इसे लंबा लंबा करके काट लेंगे। दोस्तों, आपका आलू खाने नहीं पसंद है तो आप आलू को स्किप कर सकते हो। और दो कच्चा आम ले लिया, इसे भी अच्छे से छील के लंबा लंबा करके काट लेंगे। अब मैं मसालों को सिलपट्टा में पीस लेंगे। मसाला में ले लिया 2 चम्मच सरसों। देखिए, सरसों का आधा पीस लिया, इसका ऊपर मैं 1 चम्मच नमक डाल देंगे। दोस्तों, कई कई बार सरसों का पेस्ट कड़वा हो जाता, इसलिए पेस्ट बनाने का टाइम नमक डालने से सरसों का पेस्ट कड़वा नहीं हो जाता। देखिए, मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया। तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई बैठा देता हूँ। अब कढ़ाई में डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो गया तो इसमें डाल देता हूँ मछली का अंडा। दोस्तों, मेरे तरीके से एक बार ये रेसिपी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए, एक साइड अच्छे से फ्राई हो गया। अब मैं दूसरा साइड भी पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए, मछली का अंडा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसे उठा लेता हूँ। बाकी सारे अंडे को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। मछली का अंडा फ्राई हुआ तेल में डाल देता हूँ कट के रखा हुआ आलू। आलू के ऊपर थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ढक्कन लगा के 5 मिनट कुक कर लेता हूँ। देखिए, ढक्कन लगा के कुक करने से फ्राई होने के साथ साथ बॉयल भी हो जाएगा। आलू अच्छे से फ्राई हो गया तो मैं इसे उठा लेता हूँ। इसी तेल में डाल देता हूँ कच्चा आम। इसके ऊपर नमक डाल के थोड़ा फ्राई कर लेना है। दोस्तों, कच्चा आम का बहुत सारे रेसिपी बना के तो खाया, एक बार ऐसे बना के देखिए, बार बार ये सब्जी खाने का मन करेंगे। तो इसी तेल में डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 1 सूखा मिर्च और 1 चम्मच 5 फोरन। 1 खड़ा मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई होने के बाद डालना है सरसों का पेस्ट। इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सारे मसाला के ऊपर डालना है थोड़ा पानी, नहीं तो सूखा मसाला जल जाएगा। पानी डाल के मसालों को साथ अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद डालना है फ्राई करके रखा आम और इसके ऊपर डालना है फ्राई करके रखा आलू। मसालों को साथ आलू और आम को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं ग्रेवी के लिए पानी डाल देता हूँ। दोस्तों, जिसको जितना ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से पानी डालना है। अब मैं थोड़ा उबाल आने के लिए रुकता हूँ। देखिए, ग्रेवी में उबाल आ चुके हैं। अब मैं डाल देता हूँ फ्राई करके रखा मछली का अंडा। दोस्तों, ये सब्जी थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए थोड़ा सा चीनी डालना है। चीनी डालने से सब्जी का टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। अब ढक्कन लगा के और 2 मिनट सब्जी को कुक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मछली का अंडा करी बन के तैयार हो गया। दोस्तों, आप भी मेरे तरह ये रेसिपी घर में बनाइए और सभी को खिलाइए। दोस्तों, मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कॉमेंट और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी ने स्वस्थ रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।